लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अमित शाह की रिपोर्ट मिलते ही एक्शन में आए पीएम मोदी, हुआ ये बड़ा ऐलान लखनऊ। सियासी गलियारे में यह कहावत है कि जिस दल ने उत्तर प्रदेश फतह कर लिया उसी की सरकार दिल्ली में बनती है। इसी के चलते मिशन 2019 को लेकर यूपी में जहां सपा बसपा और कांग्रेस अंदर खाने अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है, तो सत्ताधारी दल भाजपा भी जोर आजमाइश कर रही है। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आए और 6 प्रांतों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक हालातों का जायजा लेकर दिल्ली रवाना हो गया। अमित शाह ने पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। इसी के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की कमान खुद पीएम ने संभाल ली और क्षत्रपों के जातिगत किलों को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर सूबे में कमल खिलाने का खाका तैयार किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अगले साल फरवरी तक कुल 50 से ज्यादा मैराथन रैलियां करके कई संसदीय क्षेत्रों को कवर कर डालेंगे। रिपोर्ट के बाद एक्शन में आए पीएम मोदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संभावित गठबंधन के साथ ही भाजपा सांसदों की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा फोकस यूपी में होगा। मोदी बीजेपी के किलों को बचाने के लिए जुलाई में कई रैलियां करके चुनावी शंखदान कर देंगे। मोदी खुद जनता से संवाद स्थापित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे और विपक्षी दलों को कठघरे में खड़ा करेंगे। बीजेपी के एक बड़े नेता के मुताबिक पार्टी का संगठन पूरी तरह से चुनाव में उतर चुका है। मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी के एक साथ आने के बाद भी ये पीएम मोदी के विजयी रथ को नहीं रोक पाएंगे। पीएम का शुरू होगा तूफानी दौरा। प्रदेश में हुए लोकसभा के 3 उपचुनावों में बसपा ने सपा को समर्थन दिया और सपा सीटें जीतने में कामयाब रही। उसको देखते हुए भाजपा ने तैयारियों अभी से शुरू कर दी है। पीएम मोदी को बखूबी पता है कि यूपी में भाजपा की सीटें ज्यादा घटी तो दिल्ली में दोबारा वापसी मुश्किल हो सकती है। इसलिए विपक्ष के आक्रामक होने से पहले ही मोदी ने खुद यूपी में चुनावी दिशा तय करने का बीड़ा उठा लिया है। नरेंद्र मोदी कल यानी 14 जुलाई को आजमगढ़, 15 जुलाई को वाराणसी, 21 जुलाई को शाहजहांपुर और 29 जुलाई को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के पहले चरण के दौरे में सबसे ज्यादा भागीदारी भी पूर्वांचल की है। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के साथ ही आजमगढ़, मिर्जापुर भी जाएंगे, तो वहीं मुलायम के गढ़ आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, जो प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों से सीधा जुड़ा हुआ है। शाहजहांपुर से की थी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में, जब फसल बीमा योजना शुरू की थी तो उस समय उन्होंने रुहेलखंड के बरेली में किसान रैली की थी। वहीं अब खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाने के बाद एक बार फिर बरेली के बगल के जिले शाहजहांपुर को रैली के लिए चुना है। मोदी शाहजहांपुर में 21 जुलाई को रैली करेंगे। इसका मतलब साफ है कि मोदी बरेली मंडल के साथ ही अवध क्षेत्र को भी अपनी इस रैली से जोड़ना चाहते हैं। वहीं 29 जुलाई को मोदी लखनऊ में अपनी बहुप्रचारित योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पीएम का हेलीकॉप्टर बुंदेलखंड की धरती पर उतरेगा। यहां करीब 18 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं, जिन्होंने 2014 में मायावती को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी को अंदेशा है कि सपा बसपा के गठबंधन के चलते यह वोट दोबारा क्षत्रपों के पाले में जा सकता है। इन वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने अलग रणनीति बनाई है।